श्री राम समर्थ अप्रैल 24। संतों का होना इसका मतलब उनकी आज्ञा में रहना। हम जिंदा रहे यह जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम परमात्मा को जाने। संसार में लोग किसको नहीं दोष देते, परमार्थ में समर्पित हो जाने पर यह ठीक से घर गृहस्थी नहीं करता, ऐसा कहकर लोग दोष देते हैं। हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने मन के दुख के लिए बस एक ही कारण हो कि मैं अभी भगवान का नहीं हो पाया। जो भगवान की इच्छा के अनुकूल व्यवहार करता है उसका भला होता है। भगवान जैसे रखे उसमें संतोष मान कर रहे। भगवान का रूप आनंदमय है और सृष्टि का क्रम भी ऐसा ही है कि वह मनुष्य को आनंद की ओर ले जाता रहे। अत्यंत दरिद्र के लिए भी आनंद की गुंजाइश होती ही है। आनंद के बिना मनुष्य का जिंदा रहना ही संभव नहीं है। हम जब मूलतः आनंद रूप हैं तो फिर यह दुख का ढेर कहाँ से आया? हमें दुख इसलिए होता है कि हमारी कहीं भूल होती है। मैं सही हूँ या गलत हूँ ऐसी आशंका मुक्त व्यक्ति के मन को छूती तक नहीं, क्योंकि देवता और वह एक रूप होते हैं। जो बद्ध हैं उसको भी शंका नहीं होती, क्योंकि वह भगवान को जानता ही नहीं। वह तो कहता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ और भगवान तो है ही नहीं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को जरूर यह आकुलता लगती है, और जब यह आकुलता तीव्र होती है तब उसकी संतों से भेंट होती है। पिछले पुण्य की कोई धरोहर होगी तो यह आकुलता लगती है। हम संतों के हो कर रहे, उनके हो जाने पर हमें लगना चाहिए कि उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है। संतों के होना यानी उनकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करना, वे जैसा कहे वैसा करना, लेकिन वे जैसा बर्ताव करते हैं वैसा न करें। सत्य की संगति करने पर सत्संगति मिलती है। किसी की भी आसक्ति न रखते हुए संसार में व्यवहार करना ही मुक्तों का लक्षण है। यदि किसी बात की अभिलाषा ही नहीं रखेंगे तो दुख क्यों होगा? अभिलाषा न रखने पर दुख का कारण ही नहीं रहता। जहाँ तुम हो वही सद्गुरु हैं, ऐसा तुम्हें लगता है और संतोष होता है। यही उनकी सच्ची कृपा है। श्रद्धा से जो काम होता है वह तपस्या से भी नहीं होता। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने को ही परमार्थ समझो। गुरु साक्षात परमात्मा ही है, उनकी आज्ञा का पालन ही तपश्चर्या है। इससे भिन्न कुछ करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं लगना चाहिए। अच्छे लोगों को भी लगता है कि अपने मन के विकार मिट नहीं रहे, किंतु विकार जाते नहीं कि रट लगाकर वे घटते तो नहीं उल्टे बढ़ते हैं। उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। नामस्मरण करने का अपना काम जारी रखे, जिससे विकार अनायास कम होते रहेंगे। किंतु इतना ध्यान जरूर रखा जाए कि मन देह के पीछे पीछे नहीं जा रहा। आज का मुख्य विचार, संतों की आज्ञा को प्रमाण मानना ही अनुभव प्राप्त करने का साधन है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।